स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता होगा, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल गैमेट की अगर मैं बात करूं तो होती है स्पर्म, और अगर मैं बात करूं फीमेल गैमेट की तो फीमेल गैमेट होती है ओवम। ये दो टाइप की गैमेट जो है प्रोड्यूस होती है। इन दोनों का फ्यूजन क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो एक डिप्लॉयड सेल बनता है, उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट। जाइगोट बना, जाइगोट के बाद वो एम्ब्रियो में चेंज होगा। एम्ब्रियो होता है जब बेबी क्या हो, पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, अनडेवलप्ड होता है, उसे बोलते हैं एम्ब्रियो। अब उसके बाद क्या बनेगा? फीटस। फीटस होगा जब बेबी के जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाए, उसे बोलते हैं फीटस। अगर हम बात करें स्पर्म की, जो स्पर्म है उसकी बॉडी कैसी होती है, तो स्पर्म आपका कुछ ऐसे शेप का होता है। ये पीछे होती है इसकी टेल स्पर्म की, और आगे कुछ यूं हेड होता है, और ये न्यूक्लियस है इसकी। तो ये थ्री पोर्शन में वैसे डिवाइड होता है, हेड, नेक और टेल के अंदर। ये स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है आपका, ठीक है। और अगर ओवम की बात करें तो ओवम होता है ये यू राउंड शेप्ड का होता है, ओके। बीच में क्या होती है? न्यूक्लियस, और चारों तरफ वही साइटोप्लाज्म। वैसे स्पर्म बहुत सारे मिलियंस ऑफ नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही स्पर्म जाकर क्या करता है? ओवम के साथ फ्यूज करता है। अब इस सब को पढ़ने से पहले मैं आपको प्यूबर्टी बताऊंगी। प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी वो टाइम होता है जब बॉयज और गर्ल का जो है सेक्सुअली मैच्योरिंग का टाइम आता है। सेक्सुअली मैच्योरिंग मतलब कि जब बॉयज और गर्ल्स के अंदर फिजिकल और इमोशनली तरीके से चेंजेस आते हैं, उसे बोलते हैं प्यूबर्टी। मेन के अंदर ये एज अलग होती है और गर्ल्स के अंदर ये एज अलग होती है। प्यूबर्टी की अगर मैं बात करूं तो प्यूबर्टी इज द टाइम व्हेन गर्ल एंड बॉयज बिकम मैच्योर इज कॉल्ड प्यूबर्टी। अब अगर मैं बात करूं प्यूबर्टी में बॉयज की और गर्ल्स की एज क्या क्या रहती है, तो देखो गर्ल्स की जो एज है वो 10 to 12, यानी कि 10 to 12 इयर्स की टाइम पर जो है प्यूबर्टी स्टार्ट होती है गर्ल्स के अंदर। तो गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी 10 to 12 ईयर की एज में होती है। और अगर मैं बात करूं बॉयज के अंदर, तो बॉयज के अंदर ये थोड़ी लेट होती है, हम बोल सकते हैं 11 to 14 ईयर, ओके। तो ये गर्ल्स और बॉयज की प्यूबर्टी जो है वेरी करती रहती है। गर्ल्स में 10 to 12 और फर्दर इंक्रीज भी हो सकती है, ओके। अब हम मैं बात करूं प्यूबर्टी क्या होती है, मैंने बताया फिजिकल और इमोशनली तरह के चेंजेस आ जाते हैं। अब अगर हम बात करें बॉयज के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं और गर्ल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर, तो वो समझो। सबसे पहले अगर मैं बॉयज की मैं बात करूं, तो बॉयज के टाइम पर जब प्यूबर्टी आती है तो आपको पता है बियर्ड्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है, मॉस्टेज यानी कि मूछें आने लगती है ना। और उसके बाद साथ साथ कुछ फेशियल हेयर ग्रोथ भी होती है, आर्म्स हेयर, जेनाइटल हेयर, ये सारी की सारी ग्रोथ होकर होने लगती है किसके अंदर? बॉयज के अंदर। और इसके साथ साथ क्या होता है, इनकी जो बॉयज होती है वो बहुत ज्यादा डीपर हो जाती है बॉयज के अंदर। तो बॉयज के अंदर सारी तरह के चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी। और अगर मैं बात करूं गर्ल्स के अंदर, गर्ल्स के अंदर भी कुछ जो है बहुत सारे तरीके से चेंजेस आते हैं, लाइक ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है, और इसके साथ साथ इनके भी जो है पिंपल्स, इस एज में पिंपल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ यहाँ भी होती है, आर्म पिट्स हेयर ग्रोथ होने लगती है, और इसके साथ साथ जेनाइटल हेयर ग्रोथ भी यही होती है, लेग्स और हैंड्स पर भी हेयर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है गर्ल्स के अंदर चेंजेस होते हैं, दोनों के अंदर जो है बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं कब? ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो ये क्या है आपकी प्यूबर्टी की एज। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई रिप्रोडक्शन कब होगा, कैसे होता है, जब मेल और फीमेल दोनों का क्या होगा? कॉपुलेशन, यानी कि दोनों मेट करेंगे, उसे क्या बोलते हैं? कॉपुलेशन बोलते हैं। अब देखो हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो सबसे पहले क्या होता है, मेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गन इंक्लूड होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो कुछ जो है ऑर्गन वो क्या है, मेल के अंदर एक पेयर होता है, उसको क्या बोलते हैं? टेस्टिस। एक पेयर टेस्टिस का होता है, और इसके साथ साथ क्या होती है, एपिडिडाइमस होती है, वासा एफरेंसिया, वासा डिफरेंस, और कुछ जो है आपकी ग्लैंड्स इंक्लूड होती है, लाइक सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये सारी ग्लैंड्स हेल्प करती हैं कहाँ? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। अब हम बात करते हैं
इनके फंक्शन की। अगर मैं टेस्टिस की बात करूं तो ये एक पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होता है, ये टेस्टिस क्या करता है, टेस्टिस स्पर्म को प्रोड्यूस करता है और इसके साथ साथ एक हार्मोन सिक्रीट करता है और उस हार्मोन को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टिस ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं स्क्रोटम। ये स्क्रोटम कहाँ लाई करता है, लाई आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। और इसका क्या काम होता है स्क्रोटम का, ये करता है वो जो है टेस्टिकल्स का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मतलब बॉडी टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर रखता है। ये काम किसका है, स्क्रोटम का। तो अब मैंने बताया कि हाँ भी एक पेयर टेस्टिस का होता है और टेस्टिस क्या काम करता है, ये स्पर्म को प्रोड्यूस करता है और इसके साथ साथ हार्मोन सिक्रेट करता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टिस कहाँ लोकेट होते हैं, इनसाइड द स्क्रोटम, हम कह सकते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये जो है लोकेटेड होते हैं। अब ये जो स्क्रोटम है ये कहाँ होता है, ये एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट आउटसाइड होता है। इसका काम क्या होता है, इट रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिकल्स, टेस्टिकल्स के टेम्परेचर को क्या करता है, ये रेगुलेट करके रखता है। अब जैसे ही स्पर्म प्रोड्यूस होता है तो वो कहाँ जाता है, एपिडिडाइमस के अंदर, मतलब कि अब जो है जैसे स्पर्म प्रोड्यूस हो वो कहाँ जाके स्टोर होता है, एपिडिडाइमस के अंदर। ये कुछ ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, दिस इज एपिडिडाइमस। अब इसके अंदर कुछ बहुत सारे कंपार्टमेंट्स भी होते हैं, ये जो है यहाँ कुछ कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लगभग 250 के करीब कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो ये टेस्टिस है ये एक स्पर्म तो प्रोड्यूस करेगा नहीं, मिलियन ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है। अब वो मैंने बताया कहाँ स्टोर होंगे, जाकर एपिडिडाइमस के अंदर जाकर स्टोर होंगे। अब एपिडिडाइमस क्या करेगा, एक ट्यूब को लीड करता है, दैट इज वासा एफरेंसिया। वासा एफरेंसिया के बाद वो कहाँ जाएंगे, वासा डिफरेंस के अंदर जाएंगे। ये भी एक ट्यूब होती है, बिल्कुल इसके साथ ही ज्वाइन होती है वासा डिफरेंसिया। अब वासा डिफरेंसिया के अंदर जाते ही फिर कहाँ जाएंगे, ब्लैडर के अंदर। ब्लैडर के अंदर गए, यहाँ क्या प्रेजेंट है, कुछ ग्लैंड्स, दिस वन सेमिनल वेसिकल एंड दिस वन प्रोस्टेट ग्लैंड। ये ग्लैंड का क्या काम होता है, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और इसके साथ साथ फ्लूइड का सिक्रीशन करते हैं, दैट इज सीमन। सीमन बोलते हैं ना, अगर स्पर्म के साथ जो लिक्विड होता है उसे क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। तो वही बात है, यहाँ जो है ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, जैसे स्पर्म आता है यहाँ इसको जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, नरिश करते हैं स्पर्म को। अब उसके बाद स्पर्म आएगा, स्पर्म कहाँ जाएगा, इसके अंदर जाएगा, दिस वन यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के थ्रू स्पर्म जाएगा कहाँ पर, पेनिस के अंदर। पेनिस से सीधा क्या हो जाएगा, इजेकुलेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा स्पर्म। अब स्पर्म बाहर निकला और वो कहाँ जाएगा, फीमेल की वेजाइना के अंदर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो हम समझ लेते हैं, स्पर्म आया यूरिथ्रा, यूरिथ्रा से कहाँ जाएगा वो, पेनिस, पेनिस के बाद वो इजेकुलेट आ जाता है आउटसाइड और फिर इजेकुलेट होने के बाद वो कहाँ जाता है, सीधा फीमेल वेजाइना के अंदर जाता है। बहुत सारे स्पर्म होते हैं लेकिन सिर्फ एक ही जो स्पर्म है वो अंदर जा पाता है, ठीक है, क्योंकि जो वेजाइना होती है फीमेल की बहुत ज्यादा एसिडिक होती है, वो किल कर देती है आपके बाकी स्पर्म को, लेकिन सिर्फ एक ही स्पर्म जो होगा जिसमें ज्यादा पावर होगी वो निकल जाएगा, ओके। अब ये क्या है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोबारा समझ लो, इसके पार्ट्स जो है इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसके अंदर टेस्टिस इंक्लूड होता है, एक पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है जिसका मेन फंक्शन मैंने आपको बताया, प्रोड्यूस स्पर्म एंड प्रोड्यूस हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ओके। ये क्या है आपका टेस्टिस। उसके बाद अगर हम बात करें ये कहाँ लोकेट होता है, स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये यहाँ इसके अंदर लोकेट होता है और ये स्क्रोटम मैंने बताया आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी सिचुएट होता है। अब उसके बाद इसके अंदर कुछ कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, उनको वो लगभग 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, ओके। यहाँ को एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसके बाद आती है और उसको एपिडिडाइमस बोलेंगे, जहां पर स्पर्म क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। अब स्पर्म स्टोर होने के बाद ये किसको लीड करेगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को जो है लीड करेगा, दैट इज वासा डिफरेंस या वासा एफरेंसिया। अब वासा एफरेंसिया के थ्रू स्पर्म जाएगा और कहां, इस ब्लैडर के अंदर आएगा और यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ ग्लैंड, फर्स्ट वन
सेमिनल वेसिकल, सेकंड वन प्रोस्टेट ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या करते हैं, ये स्पर्म को क्या प्रोवाइड करेंगे, नरिशमेंट, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। अब न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा वो स्पर्म कहाँ जाएगा, यूरिथ्रा के थ्रू पेनिस, और पेनिस से क्या हो जाएगा, इजेकुलेट आउट हो जाएगा। दिस वन इज कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझ आ गया है सबको। रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले मैंने आपको प्यूबर्टी के बारे में बताया, और फिर किसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।